नमस्कार, मैं रामजीत पटेल लाइव शहीद स्मारक से आज लगातार आपको पिछले 3 माह से हम कह रहे हैं कि आपका कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और स्थिति वही। कुछ लोगों ने सरकारी एजेंट बनकर जो घिनौना कृत्य किया और उन्होंने आज मुंह खा रहे हैं। जैसे हम कार्यक्रम की घोषणा करते हैं 3 तारीख की, वो 2 के कार्यक्रम की घोषणा करते हैं, लेकिन वो 2 तारीख भी चली गई और हमारे कार्यक्रमों को कुचलने के लिए सुनने मारा वो जिलों के दौरे करना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान की विधानसभा में उनको पहुंचना है और आप लोगों से फूल मालाएं पहनकर राजस्थान के जो तमाम टिकट बांटने वाले जो आलाकमान कांग्रेस के उनको मैसेज देना है कि संविदा कर्मियों का मस गया है। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, आज आप देख सकते हैं हमने हक और हकूकों के लिए एक बार कैमरा के माध्यम से मेरे साथी दिखाई है आंदोलन जयपुर के शहीद स्मारक पर लगातार एक एक संगठन, जैसे विधानसभा की घोषणा हुई है एक बार इधर भी दिखाइए कितने संगठनों के बैनर लगे हुए हैं, क्योंकि ये लोग अपने हक और हकूकों को पहचानते हैं। हमारे लोगों की संतान का 16,000-10,000 क्या हो गई जो अपने घरों में भीगी बिल्ली की तरह बैठे हुए हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ 17 जुलाई विधानसभा के घेराव में अगर आप नहीं आए तो आपको पछताने के अलावा कोई मजदूर नहीं मिलेगा। रामजीत पटेल संयोजक राजस्थान पंचायत शिक्षक संघ, विद्यालय सहायक संघ, प्रवक्ता संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा राजस्थान।